नमस्कार दोस्तों मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक एन ने अभी हाल ही में कक्षा ग्यारह और बारह में पढ़ाई जाने वाले इतिहास की किताबों में कुछ चेंजेस किए हैं उन चेंजेस के मुताबिक अब इन किताबों में अकबर नामा शाही परिवार पांडुलिपि की रचना आदर्श राज्य मुगल अभिजात वर्ग ये नहीं पढ़ाया जाएगा इसी की तरह अगर हम देखें कि एवंथ में जो सब्जेक्ट्स उन्होंने डिलीट किए हैं उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस्लाम का उदय और संस्कृतियों में टकराव जैसे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं पढ़ाए जाएंगे इस पूरे रिवीजन का देश भर के इतिहासकारों ने ज़बरदस्त विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे सिलेबस और टेक्स्ट के सेफरनाइजेशन का मामला है आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए हैं मशहूर हिस्टोरियन इरफान साहब इरफान साहब न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया इरफान साहब हिस्ट्री को लेकर हम हमेशा देखते हैं ना कि ये जो पूरा जो बदलाव है वो सिर्फ हिस्ट्री को लेके होता है है ना आ, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इकोनॉमिक्स की किताब में कह रहे हैं कि आज से हम किंग्स नहीं पढ़ाएंगे सिर्फ मिल्टन फ्राइड में नहीं पढ़ाएंगे तो इस दृष्टि से मैं अब अगर आपसे पूछूँ कि इतिहास क्यों ज़रूरी हो जाता है तो आप क्या कहेंगे देखिए ऐसा है कि आप किसी एक आदमी को ले लीजिए मर्द औरत को उसकी मेमोरी क्यों ज़रूरी है अगर मेमोरी ना हो तो ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं कर सकता अब मेमोरी कितनी उसकी ठीक है अगर वो ये कहेगा कि मैं तो राजा था महाराजा था फला था तो आप जाहिर कहेंगे कि ये ये तो बिल्कुल बेकार है ये तो कोई काम ही नहीं कर सकता तो जितनी उसकी मेमोरी ज़्यादा होगी और एक्यूरेट होगी उतना ही वो दूसरे जो उसके साथ हैं इंसान उनके साथ ठीक से काम कर सकेगा और ख़ुद भी उसका डेवलपमेंट होगा यही हर मुल्क का होता है हिस्ट्री जो है वो एक मुल्क की मेमोरी है दुनिया की हिस्ट्री दुनिया की मेमोरी है अगर आप चीज़ अपनी ठीक याद रखेंगे जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं तो आपकी जो उस नेशन की उस मुल्क की जीवन जो, जो होगा जो वो फ़ैसले लेंगे वो तो ठीक हो, और अगर आप इमेजिन करने लगें ये जिनमें सोचने लगें कि यूं नहीं यूं हुआ था बिल्कुल गलत बात है तो उसकी होगी मैं आपको अपनी ही मिसाल देता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दुनिया भर से कहते हैं कि इंडिया इज़ मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी। संस्कृत का शब्द बता दें डेमोक्रेसी संस्कृत में डेमोक्रेसी क्या कहते हैं तो जब आप इतनी गलत बात कहें जो हर एक पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि ये तो बिल्कुल बेकार है डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट यूनान का है और वहाँ भी उसे अच्छा नहीं समझा जाता हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम है मुसलमानों में क्लास डिवीज़न है फ़र्क है तो कहाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी तो अगर आप फिर एक गलत चीज़ करें या जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ा भाई आपका हर देश का नॉलेज सिस्टम तो अलग नहीं होता नॉलेज तो एक ही होती है हमारे अगर आप नॉलेज में जाएं तो हमारे यहाँ पुरानी संस्कृत में इतिहास था ही नहीं उसमें वीकनेस भी थी हर नॉलेज की वीकनेस होती है लिमिटेशन होती हैं बढ़ती जाती है इतिहास नहीं थी ठीक से आप अगर ये देखें कि इतिहास कब से शुरू हुई संस्कृत में तो राजा तरंगी नहीं पहला वो ग्यारह सौ इक्यावन ईस्वी का उससे पहले अगर थोड़ा सा इतिहास मिलता है तो वो बाना के हर्षचरित में मिलता है तो एक गलत बात कहने से आप गलत फ़ैसले लेते हैं मेमोरी आपकी ग़लत होती है वो है चाहे इंडिविजुअल हो चाहे देश हो देश की मेमोरी उसकी हिस्ट्री है अगर उसकी मेमरी ग़लत आप कर देंगे तो आपके फ़ैसले गलत होंगे जो आप देख रहे हैं भारत में तो और पाकिस्तान में पहले ही से देख रहे हैं तो अब ये हमें देखना चाहिए था हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए था कि पाकिस्तान की इतिहास क्या होती है अब तो नहीं पता नहीं क्या थी जब मैं उन्नीस सौ पचानवे में गया था वहाँ मेरे भाई थे उनका डेथ हो गई तो वहाँ मेरे भतीजों ने बताया कि यहाँ तो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है अरे भाई तुम्हारे यहाँ मोहन जदारो है टैक्सला में ऐसा आर्ट है ग्रीक आर्ट जो ग्रीस में मार्शल कहता है नहीं है और तुम इस सब को भूल जाते हो यही यहाँ है भारत में अकबर है क्या क्या बातें उसके यहाँ कही गई अबुल फल के यहाँ कही गई जो दुनिया में उस वक्त कोई नहीं कह रहा था हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि पहली स्टैटिस्टिक्स की किताब इस पैमाने की शायद कहीं नहीं हिंदुस्तान में ही लिखी गई अबुल फल की आयन अकबरी जिसमें इतने स्टैटिस्टिक्स हैं आंकड़े हैं हर चीज़ के हैं मशहूर किताब है उसे भी आप भूल जाए तो आप की मेमोरी में जो आपने अच्छी चीज़ें की हैं वो भी आप भूल गए और जो बुरी चीज़ें की हैं वो भी आप भूल गए तो आप ना उनसे बच सकते हैं ना उसमें आपको फ़ख्र आ सकता है कि भाई हमारे देश में ये हुआ था गलत चीज़ों पे आप फ़ख्र कर रहे हैं कि गणेश जी से मालूम होता है कि प्लास्टिक सर्जरी थी दुनिया भर हंसेगी आपको आप प्राइम मिनिस्टर हों भारत के उससे कोई दुनिया को तो नहीं रोक सकते आप तो इसलिए इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए अपनी जो मेमोरी है उसे नेशनल मेमोरी है हिस्ट्री उसको बहुत एहतियात से देखना चाहिए जो हमारे अच्छे काम हैं जो अच्छे हम, हम जिसमें हमारा नाम हो सकता है होना चाहिए हमें भी प्राइड होना चाहिए अगर कोई ऐसा अच्छा हिंदुस्तानी है जिसे अशोक और अकबर में प्राइड ना हो तो तो उसे जाहिल समझूँ <laughs> तो इवन जब इसी से ना मतलब जुड़ा हुआ जो एक सवाल है ना कि इतिहास के बारे में अक्सर कहते थे कि इतिहास जो है ना सिर्फ राजा रानियों का ही नहीं है वो लोगों का भी इतिहास है।, है अब इसमें कुछ लोगों का होता है कि अगर ये आर्गूमेंट हम ले भी लेते हैं तो हम क्यों जो है अकबर या अकबर का कोर्ट को पढ़ें नहीं तो फिर आप सभी का कीजिए ना न <laughs> फिर आप एक तरफ ये कहते हैं बी ए कॉर्स में कि रामायण और महाभारत पढ़ाएंगे भाई रामायण और महाभारत जो भी हो राजा राजाओं की तो है वो कोई आम लोगों की तो नहीं किसानों का लड़ाई तो नहीं थी महाभारत ना रामचंद्र जी की हिस्ट्री किसान की हिस्ट्री है तो फिर तो भारत के उसमें कुछ ये रह जाएगा ये सिर्फ अकबर ही पे क्यों अप्लाई हो दूसरी बात यह है कि राजा और महाराजा जो भी होते थे या जो होते थे, थे उनका असर पड़ता था उनके पास शक्ति थी वो टैक्स लेते थे वो उनकी वजह से गलत चीज़ें भी होती थी अच्छी भी होती थी व्यापार भी चलता था बंगाल से पंजाब में तिजारत भी व्यापार भी होगा अकबर के एम्पायर की, की वजह से क्योंकि हर जगह अमन था पहले इतना मुमकिन नहीं था तो अच्छी बातें भी बुरी बातें भी थीं तो, तो उसे हमें कहना चाहिए अकबर में तो बहुत अच्छी बातें थी जो इन्हें सीखना चाहिए वो ये कहता था कि रियल धर्म नहीं बल्कि रीज़न होना चाहिए अक्ल जैसे कहते हैं फारसी में तो ये तो एक अच्छी बात है मेरे ख्याल में भारत के हर आदमी को ये कहना चाहिए कि रीज़न होना चाहिए धर्म से नहीं चलना चाहिए तो अब ये आ, बात जो है तो असल में जी में तो है कि यही आता है कि ये खटकती है ये कहेंगे तो तो आजकल तो नहीं है आजकल तो उल्टा है कि अकल को एक तरफ रखिए धर्म को आगे लाइए तो मतलब हमने ना मतलब ये कहें कोट जो एक ख़ास हिस्से की तरफ से इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती हैं मतलब बढ़ाई जाती हैं कि आ, जैसे पी एन ओ की किताब कोई बढ़ा देता था कि जो है वेटिकन वाटिका है और क्रिश्चियनिटी क्रिश्ट, में कृष्ण है लेकिन आजकल ये देख रहे हैं ना कि ये फ़र्क महीन हो गया है विवेक देव राय जैसे लोग हैं या फिर विक्रम संपत की किताबें हैं इन इस इसको कैसे आप समझते हैं देखिए यह है कि पहली चीज़ तो यह है कि हिस्टोरियन हिस्ट्री हो इतिहास हो या मैथमेटिक्स हो या ज्योग्राफी हो ये प्रोफेशन है ऐसा नहीं कि जो चाहे मैं कह दूँ मैं कह दूँ मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती मैं एक टेक्स्ट बुक लिख दूँ नहीं लिख सकता मैं मैं लिख दूँगा तुम लोग हंसेंगे तो।, तो ऐसा नहीं है जो मुख्तलफ अलग अलग आडियोलॉजी के लोग हैं वो हिस्टोरियंस रहे हैं मैं मतलब पेश करता हूँ आरसी मजूमदार हिंदू महासभा के रहे वो हमेशा उन्होंने एक पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का के एम मुंशी के साथ मिलकर हिस्ट्री ऑफ रखी है मैं ये तैयार हूँ कि आप उसे कर दीजिए क्यों क्योंकि आरसी मजूमदार से आप अग्री ना करें मसलन वो कहते थे कि हिंदू मज़हब जो है वो ब्राह्मणों का है उसमें ब्राह्मणों की इज़्ज़त होना चाहिए वो हिंदू मत है वो ठीक कहते थे भाई एक ज़माना ऐसा था जहाँ ईश्वर का तसवर नहीं था देवता थे तो वो ये कहते थे कि ब्राह्मण ब्राह्मनिज़्म होना चाहिए और वो मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ भी बहुत करते थे हिंदू महासभा के थे लेकिन जब ऑर्गेनाइज़र ने ये छापा कि ये ताजमहल तो मानसिंग पैलेस है और रेड फोर्ट जो है वो पता नहीं राजपूतों ने बताया तो उन्होंने ख़त लिखा कि आप क्या पागल हो गए एस एस को तो यूँ का नहीं साहब हमारे यहाँ तो हर आदमी जो चाहे वो बके तो उन्होंने कहा साहब अब मैं आपका ना अखबार ख़रीदूँगा ना आपको कभी मजमून दूँगा मैं आप आपसे कोई ताल्लुक ऐसे पागल खाने में मैं नहीं हूँ दिस इज़ आर सी मजूमदार रमेश चंद्र मजूमदार की हिस्ट्री में आप उनसे डिफ़र कर सकते हैं वो भी कांग्रेस को भी उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने हिंदुओं के राइट्स नहीं देखे नहीं किए साफ़ है लेकिन वो सब तहसीब के दायरे में फैक्ट्स के दायरे में उन्होंने महासभा को भी क्रिटिसाइज़ किया हालांकि वो उसके मेंबर थे कि उन्होंने फ़ला चीज़ नहीं करना चाहिए थी कांग्रेस से कहा कि तुमने गलती की मुस्लिम लीग से उन्नीस में तुम्हें माहिदा कर लेना चाहिए था तो पाकिस्तान नहीं बनता तो वो एक हिस्टोरियन थे आप आज कहें आरसी मजूमदार की हर किताब एक्सेप्टेबल क्यों फैक्ट सही हैं राय गलत हो सकती अब शाहजहाँ के ताजमहल की जो उन्होंने तारीफ़ की है वो जो आसाम के कौन मिनिस्टर हैं उन्होंने यह कह दिया कि वो तो बेकार सर मोन्यूमेंट है खैर क्योंकि उससे डॉलर बहुत आते हैं इसलिए ताजमहल को नहीं छुआ जा रहा है डॉलर की ज़्यादा कीमत है वहाँ भूल जाते हैं कि मुग़ल बहुत ख़राब थे तो आपको अपने कल्चर को तो देखना चाहिए अगर ताजमहल को आप रिपीट नहीं कर सकते तो अगर आप ताजमहल को नहीं पढ़ाएंगे अगर आपसे कोई कहे ताजमहल क्यों बना था अपना ही आपका नेशनल मोन्यूमेंट सबसे बड़ा आपका हमें नहीं मालूम शाहजहाँ कौन था हमें नहीं मालूम होगा कोई पगला तो क्या उस देश का क्या होगा आ, एक और जो चीज़ है ना कि ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसकी तरफ से बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि जो भी टेक्स्ट है चाहे इतिहास का उसमें मुग़ल इतिहास को काफ़ी तरजीह दी गई और बाकी जो साम्राज्य हैं उनको एक तरीके से जो है गायब कर दिया गया क्या आप इस से, से से हैं। पहली चीज़ ये है कि दूसरे साम्राज्य बताए जाएं मुग़ल पीरियड के अब आप हमसे कहते हैं अहोम थे अहोम आसाम का भी एक हिस्सा था पूरा आसाम भी नहीं था उनके पास वो कैसे ज़्यादा नेशनलिस्ट हो गए मुग़ल से क्योंकि वो थाईलैंड से आए थे वो भी फ़ॉरेनर थे आजकल शाह साहब को कीजिए सब उनको बनाते हैं गोया बड़े पेट अरे यार वो तो मुग़लों से ज़्यादा फॉरेनर थे वो तो थाईलैंड आए अब भी उनके जो औलाद हैं वो अपने आप को अहोम नहीं कहते वो ताय अहोम कहते हैं कि हम थाईलैंड से आए थे बीच में तो इतना शोर हुआ था आप लोग शायद आप लोगों की मर नहीं होगी कि जब ये शोर मचा था कि थाईलैंड से रिलेशंस होना चाहिए और थाईलैंड लैंड से गौहाटी के कनेक्शन होना चाहिए हमें तो याद है इसीलिए ताय अहम कहलाते हैं तो वो तो नेशनलिस्ट हो गए एक जरा से और मुग़ल जिनके कमांडर राम सिंह थे औरंगज़ेब के वो भेजे गए थे राम सिंह वो बिल्कुल हिंदुस्तानी हमेशा से आ, का, मतलब पूरे ही जनरेशन से पतना ही सदियों से वो फॉरेनर हो गए राम सिंह तो ये कोई इतिहास है भाई अगर आप अगर औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी गलत थी लेकिन अगर आप यूरोपियन राइटर्स को देखें जो इस वक्त आए वो कहते थे हिंदुस्तान अजीब मुल्क है यहाँ तो हर धर्म के लोग रहते हैं ईसाई भी रहते हैं हिंदू भी रहते हैं पारसी भी रहते हैं हर एक धर्म के लोग रहते हैं तो आप दुनिया में तो देखिए क्या हो रहा है उसमें तो उस वक्त औरंगज़ेब जैसा बादशाह चमक रहा था उसके भी तो हिंदू ऑफिसर्स थे गवर्नर्स थे उसका दखन का जो गवर्नर था वो जयसिंह था मिर्ज़ा राजा जयसिंह मिर्ज़ा राजा जयसिंह तो ये भारत वाले हम जो हैं ये स्टूडेंट लड़न ही नहीं करेंगे तो बेचारे औरंगज़ेब को भूल जाइए बेचारे मिर्जा राजा जयसिंह का क्या कसूर है राम सिंह का क्या कसूर है वो तो आसाम में इसलिए लड़ रहे थे कि भाई हिंदुस्तान की एक हुत है यहाँ होना चाहिए उन्हें थोड़े वो थोड़े ये समझ रहे थे कि हम कोई बाहर से मुल्क आए हैं बाहर के लोग हैं लड़ रहे हैं तो आप पूरी लोकल पॉलिटिक्स के लिए आप बिल्कुल इतिहास को कहने अहम तो बहुत बड़ी चीज़ें और जिसका इतना बड़ा कल्चर का हिस्सा है अकबर और उनके स्कॉलर्स अबुल फजल शायर उर्फ़ी है उसकी अगर आप शायर की शायरी देखें तो वो कहता है कि ऐसा रहो कि जब तुम मरो तो मुसलमान तुम्हें तुम्हारा जिस्म धोएं और हिंदू जला दें तो उसे भी आप भूल जाएं भी आपकी नेशनल एसेट पोएट्री तो अब आप भूल जाइए तो देश का नुकसान कर रहे हैं आप देश का फायदा नहीं नहीं। तो नहीं कर रहे तो इरफान सब एक और जो सवाल है इसमें कि हम ना एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे मतलब गोडसे का भी महिमा वंदन हो रहा है है ना और महात्मा गांधी की जो हत्या है उसका जिक्र तक निकाल दिया गया नहीं हत्या का तो पहले निकाला था अब के हत्या का जिक्र किया है लेकिन ये नहीं कहा कि गॉड से एडिटर था और ये था वो निकाल दिया तो ये, ये चेंजेस हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं नहीं कोई बेवकूफ़ी के चेंजेस हैं और दूसरे असली चीज़ है कि अब हिस्ट्री से तो महात्मा जी को नहीं निकाल सकते तुम चाहो निकाल दो टेक्स्ट बुक से इतिहास से कैसे निकालो ऐसे दौर में जो माँ बाप हैं जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे आ, अच्छा पढ़ें या फिर फैक्ट चीज़ें पढ़ें लेकिन अब माहौल या फिर इजाज़त नहीं दे रहा तो वो लोग क्या करें अब वो, वो कैसे पढ़ाएं नहीं उन्हें पुरानी टेक्स्ट बुक पढ़ाना चाहिए मेरी राय में होगा ये कि सवाल नहीं आएंगे उस पर लेकिन दुनिया में कोई रूल ये नहीं बना सकता कि आप अच्छी किताब ना पढ़ें तो इतिहास पढ़िए इतना मैं कहूँगा कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो मुस्लिम लीग का जुर्बा था लेकिन किसी को ख़्याल भी नहीं आया कि टेक्सट बुक बदल लें जो कांग्रेस के सरकार उन्नीस सौ सैंतीस में टेक्सट बुक थी वो हमारी हाई स्कूल तक चलती रही तो उस वक्त थोड़ी सी अकल थी मुस्लिम लीग में पाकिस्तान में तो जो किया वो किया लेकिन यहाँ अकल थी थोड़ी सी तो कि भाई इसे टच मत करो इल्म को टच मत करो तो आप लोगों काजुब होगा मुस्लिम लीग के ज़माने में बी ए में अंग्रेज़ी में पढ़ाते थे पंडित नेहरू का टुमारो इन इंडिया पाकिस्तानी किसी ने लिखी ही नहीं ऐसी अंग्रेजी <laughs> अंग्रेजी में क्या पढ़ाते उसको पंडित नेहरू को पढ़ा रहे थे भाई उन्हें ख्याल नहीं आया, यानी इनसे बेहतर थे वो मुस्लिम लीगर्स के वो ना पढ़ाएं। ताराचंद की हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल थी हमारे कोर्स में मुस्लिम लीग के ज़माने में उसे पढ़ के हमने हाई स्कूल लिया। तो अब पाकिस्तान में भी और अब हमारे यहाँ भी ये हो गया है कि आप बेअली को प्रमोट कीजिए तो मैं कहूँगा कि बेअली है बेवकूफ़ी है जो ये सब किया जा रहा है अपने देश की बदनामी है कोई बाहर कहेगा कि यार तुम डेमोक्रेसी इन इंडिया कास्ट सिस्टम तुम्हारे यहाँ कहीं इलेक्टेड इलेक्शन का कोई ज़िक्र ही नहीं कौन सी कॉन्स्टिट्यंसी से कौन इलेक्ट हुआ कौन सा राजा कभी इलेक्ट हुआ डेमोक्रेसी का संस्कृत में क्या लफ्ज़ लफ्ज़ है और तुम कहे जा रहे हो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो और ग्रीस में जहाँ डेमोक्रेसी थी वहाँ जितने फ़िलासफर्स थे कह रहे डेमोक्रेसी से ख़राब और कोई चीज़ नहीं है नहीं। तो तुम्हारे यहाँ तो कोई डिस्कशन ही नहीं है किसी संस्कृत टेक्स्ट में बता दीजिए डेमोक्रेसी का डिस्कशन या ये बता दीजिए डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं शब्द बता दीजिए संस्कृत का तो जब आप इस कस्म की गलत चीज़ें पढ़ाएंगे कहेंगे तो क्या हशर हो शुक्रिया तो ये थे इरफान हबीब बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ।